Now students, move to the question number 12. Given function fx is equal to x to the power 10 minus 1, x less than equal to 1, and when x is greater than 1, the function is x square. तो हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है किस पे? 1 पे. At x equal to 1, fx, और x के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f1. इक्वल टू, जब इक्वल होता है तो फंक्शन ये रहता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x के जगह पे 1, 1 का पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर चाहे कुछ भी हो वो होगा तो 1 ही, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और माइनस 1 इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx equal to limit x tends to 1 minus fx से 1 से छोटा, 1 से छोटा तो fx क्या होगा? x to the power 10 minus 1 equal to, put करेंगे 1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 का power 10 minus 1 equal to, ये हो जाएगा 1 minus 1 equal to 0. अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx क्या होगा? जब 1 से ज्यादा तो x का स्क्वायर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, और x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. हम लोग देख सकते हैं कि जब x f1 जब निकाले, x इक्वल टू 1 पे f1 जब निकाले तो 0 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट हम लोग का आता है 1. इसका मतलब कि हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीनों कंडीशन इक्वल होना चाहिए. f1 जितना आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी उतना ही आना चाहिए. fx ये और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आया है, एक पे 0 है तो दूसरा 1 आया है, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है. हियर एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x tends to 1 plus, अच्छा equal नहीं है, not equal to, x tends to 1 plus fx, therefore f is discontinuous, f is discontinuous.